नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी उत्तराखंड और मैं आपके साथ गौरवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। उत्तराखंड में बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान जोरों पर। हल्द्वानी, चमोली और लोहाघाट में हुए कार्यक्रम। केंद्र सरकार की उपलब्धियां रखी जनता के सामने। उत्तरकाशी में गंगा संस्कृति यात्रा का हुआ आगाज। गंगोत्री से गंगा सागर तक हुआ आयोजन। गंगोत्री धाम में हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम। उत्तराखंड में कावड़ मेले की सुरक्षा को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज। पुलिस ने केंद्र से मांगी पैरामिलिट्री फोर्स। 16 जून को होगी पड़ोसी राज्यों के साथ बैठक। देहरादून में नाबालिग को भगाने की कोशिश के मामले में 15 जून को होगी महापंचायत। AIMIM प्रमुख ओवीसी ने की महापंचायत पर रोक की मांग। अमसरकोट के पास पिकअप अनियंत्रित होकर गिरी खाई में। हादसे में 3 यात्रियों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान के तहत MBPG कॉलेज के सभागार में भाजपा के द्वारा संयुक्त मोर्चा सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को कार्यकर्ताओं से घर घर पहुंचाने का आह्वान किया गया। वहीं बीजेपी के पूर्व प्रदेश महामंत्री गजराज बिष्ट ने कहा कि संयुक्त मोर्चे के सम्मेलन में सभी मोर्चों के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। पूरे देश के अंदर महाजनसंपर्क अभियान प्रारंभ हो चुका है और उसी के तहत आज हल्द्वानी विधानसभा का संयुक्त मोर्चे का सम्मेलन यहाँ पर हो रहा है। 2024 को देखते हुए 9 साल की जो हमने 9 साल में उपलब्धियाँ की हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर, उन सभी उपलब्धियों को हम जन जन तक पहुँचा रहे हैं और जो पूरे सभी मोर्चों का आज निर्देशित भी किया जाए कि वो घर घर संपर्क करके जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कार्य हुए हैं उन सबको उनके घरों तक पहुँचाएँ और निश्चित रूप से 2024 में इस भारत के विकास के लिए, भारत की प्रगति के लिए, भारत के सम्मान के लिए दोबारा माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दें, यही पूरी देश की जनता से अपील की जाए। चमोली में महाजनसंपर्क अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री अजय कुमार थराली, विधायक भूपल राम टमटा, जिला प्रभारी कुंदन परिहार और पूर्व विधायक मुन्नी देवी शाह शामिल हुए। प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार ने कहा कि 25 जून को मन की बात कार्यक्रम की तैयारी करनी है और मिस कॉल करना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। पार्टी परिवार का पूरे देश के अंदर महासंपर्क अभियान चल रहा है और इसी कड़ी में आज थराली विधानसभा का संयुक्त मोर्चा सम्मेलन था। निश्चित रूप में 2014 से 2023 तक का जो कालखंड माननीय मोदी जी का रहा उसमें हम लोगों की प्रगति के पथ पर हम कितने आगे बढ़े, वो कार्यकर्ताओं को लेकर के केंद्र और प्रदेश की जन कल्याण नीतियों को आम जनमानस तक पहुंचाने का मुख्य उद्देश्य। उत्तराखंड के लोहाघाट में भाजपा ने महाजनसंपर्क अभियान के तहत वरिष्ठ जन सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान वरिष्ठ जनों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया और उनकी समस्याओं को जाना। नगरपालिका सभागार में भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सचिन जोशी की अध्यक्षता और गिरीश कुंवर के संचालन में आयोजित सम्मेलन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ जनों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। सम्मेलन में मौजूद मुख्य वक्ता भाजपा प्रदेश मंत्री और जिला प्रभारी विकास शर्मा ने कार्यकर्ताओं को आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अभी से जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल और सीएम धामी के 1 साल के कार्यकाल में हुए विकास और जनकल्याणकारी कार्यों की जानकारी हर घर तक पहुंचाने के लिए कहा। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो 9 साल पूर्ण हुए हैं, उन 9 साल पूर्ण होने पे हमारी केंद्र सरकार ने जो भी काम किए हैं उन सबको लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं और इसी को लेके हम लोगों का ये महासंपर्क अभियान 30 मई से शुरू हुआ है
जो 30 जून तक चलेगा। तो इसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हमारी पार्टी ने तय किए हैं। इसमें प्रेस वार्ता से कार्यक्रम शुरू हुआ था, फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों के साथ मीटिंग हुई है, फिर हमारे जितने भी डेवलपमेंट के काम हुए हैं उनको तीन विकास के रूप में हम लोगों ने वहाँ पे भी कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारे व्यापारियों के भी हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं, और इसके साथ ही हमारे जो मोर्चे हैं, किसान मोर्चा है, युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, वो सारे मोर्चे संयुक्त रूप से भी अपना सम्मेलन कर रहे हैं और अलग अलग भी उनके कार्यक्रम चल रहे हैं। हमने किसानों के लिए क्या किया, युवाओं के लिए क्या किया, महिलाओं के लिए क्या किया है, उन सारे योजनाओं को वो नीचे तक पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही एक लाभार्थी सम्मेलन भी हम लोग करने जा रहे हैं कि जिसमें हमारे जो सरकार की योजनाओं से किनको लाभ मिला, किनको आयुष्मान कार्ड से बेनिफिट हुआ, किन्हीं को प्रधानमंत्री आवास मिला है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश की दूसरी पुण्यतिथि पर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा में महानगर कांग्रेस अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी समेत कई महिला नेत्री शामिल रही। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि स्वर्गीय हृदयेश उत्तराखंड के एक वरिष्ठ नेता थे जिन्होंने समाज के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए और वंचितों के लिए बहुत कार्य किया। हमारा प्रयास है कि आज हम उनको श्रद्धांजलि देने के साथ उनके मार्गों पर चलने का प्रयास करें। इस मौके पर सभी ने स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश को अपने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इंदिरा हृदयेश जी आज हमारे बीच में नहीं, हम सब उत्तराखंड के लोग उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम कर रहे हैं। इंदिरा हृदयेश जी कि जो पहचान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और देश में है, वो एक मजबूत महिला नेत्री के रूप में है। उन्होंने सदन के अंदर भी, चाहे पक्ष और विपक्ष की भूमिका हो, उसका निर्वहन पूरी मजबूती के साथ करने का काम किया है। आज सब पक्ष और विपक्ष के लोग उनके संसदीय ज्ञान का लोहा मानते हैं, तो आज ऐसी महिला हमारे बीच में नहीं है। निश्चित रूप से अगर आज इंदिरा हृदयेश जी हमारी बीच में होती तो उत्तराखंड की राजनीति जो है वो अलग मुकाम पर खड़ी होती। देखिए, आज इंदिरा हृदयेश जी की दूसरी पुण्यतिथि है और उनकी कमी हमेशा पार्टी को खुलती रहेगी, और जो उनके काम हैं, क्योंकि पहली सरकार में तिवारी जी की गवर्नमेंट में जो विकास के काम उनके द्वारा किए गए हैं, उसके बाद भी उनका जो योगदान है कांग्रेस पार्टी के साथ और उत्तराखंड, वो बहुत ही सराहनीय रहा है, और उनकी कमी हमेशा जो है पार्टी और उत्तराखंड को खलती रहेगी। आज उनको हमने याद किया है और हमने प्रण किया है कि उनके दिखाए गए मार्गों पे हम लोग चलने का प्रयास करेंगे। राज्य में आयोजित छठवां रोजगार मेला सर्वे ऑफ इंडिया हाथी भड़कला देहरादून के ऑडिटोरियम में वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उत्तराखंड, भारतीय स्टेट बैंक देहरादून के द्वारा आयोजित किया गया। रोजगार मेले में 148 युवाओं को विभिन्न सरकारी संस्थाओं में नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। रोजगार मेले के मुख्य अतिथि माननीय जनरल बी के सिंह, राज्य मंत्री सड़क परिवहन, राजमार्ग एवं नागरिक उड्डयन के द्वारा मेले में 25 युवाओं को, शेष युवाओं को संबंधित विभागों के नोडल अधिकारी के द्वारा रोजगार प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। रोजगार मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए और साथ ही युवाओं को संबोधित भी किया गया। आवास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में आवास विभाग के अंतर्गत निजी निवेश को प्रोत्साहित किए जाने के संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। मंत्री ने कहा कि राज्य गठन के बाद संभवतः ये पहली बैठक है जिसमें आवास विभाग के अंतर्गत राज्य में निजी निवेशकों को प्रोत्साहित किए जाने की दिशा में ये कार्य किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में देश भर से जो लोग निवेश के लिए आना चाहते हैं, विभाग किस प्रकार से इन निवेशकों को राज्य में निवेश के लिए आकर्षित कर सके, इस संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कि हमारे उत्तराखंड के अंदर अब आप ये मान के चलिए कि बहुत से लोग देश भर के आना चाहते हैं, और आना ही नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हम यहाँ कुछ इन्वेस्ट करें। मेरा ऐसा मानना है कि हमें जो
लोग हैं, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, हम कैसे उनको अट्रैक्ट करें अपने उत्तराखंड के अंदर। मेरा मकसद मुख्य रूप से क्या है कि जो भी इस प्रकार के प्राइवेट इन्वेस्टर्स जब आएंगे, यदि माना वो हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का कोई रियल इस्टेट का काम करेंगे, माना वो होटल्स बनाएंगे, माना वो कोई हॉस्पिटल्स बनाएंगे या इस प्रकार के जो भी काम करेंगे, तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि उससे हमें राजस्व की बहुत ज़्यादा प्राप्ति होगी। डोईवाला में 3 दिन के भीतर लव जिहाद से जुड़ा एक और मामला सामने आने से यहां की पुलिस में हड़कंप है, तो वहीं राष्ट्रवादी संगठनों में भारी रोष है। डोईवाला में लव जिहाद से जुड़े नए मामले में डिग्री कॉलेज की पढ़ने वाली लड़की को विशेष समुदाय के एक युवक ने पहले दोस्ती की, फिर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाकर शादी करने के लिए लड़की को परेशान कर रहा था। साथ ही लड़की की मौसी पर भी दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर आरोपी लड़के को हिरासत में लेकर जांच में जुट गई है। लड़की का तो नाम लेना सही नहीं रहेगा, पर फिर भी यह है कि हम लड़की हैं कि डोईवाला की है, और हमें आज ही पता चला कि ऐसी ऐसी बात है कि लड़का दबाव बना रहा है उस पर, और मामला लव जिहाद का है। और हमें यह है कि हम कह नहीं सकते कि लड़की की गलती हो, क्योंकि कितने बार हम देखते हैं कि लड़का जालसाजी करते हैं, मतलब फंसाते अपनी बातों पर। हमें अभी हम कोतवाल में आए थे, तब कोतवाल जी ने कहा कि उस पर कार्रवाई की जाएगी लड़के पे। बाकी मैं जो और भी लड़कियां हैं, हमारी बहन हैं, उनसे निवेदन है कि वो इन चीज़ों से दूर रहें। तीसरा मामला है जो लव जिहाद का है, ये मामला कुछ अलग हटके है। ये केरला स्टोरी है, एक तरह से आप फिल्म जो आप अभी आई केरला स्टोरी, इसमें ये लड़का ये लड़की 11वीं से एक साथ पढ़ते थे। इस लड़की की जो लड़के का जो बहन है, उसने इस लड़की के साथ दोस्ती करी। दोस्ती करने के बाद कुछ समय बाद इसने अपनी भाई से इसकी दोस्ती करवाई कि आप अच्छा आप इस्लाम धर्म कबूल लो। इसकी बुआ ने, इसकी माँ ने इसे कहा कि इस्लाम धर्म बहुत है, हिंदू उसमें नहीं है, आप धर्म परिवर्तन करके मेरे लड़के से शादी कर लो। जब इस लड़की ने मना करा, तो कल रात की घटना है, उस लड़के ने इसके घर में जाके पत्थरबाजी करी 2:30 बजे रात को। जैसा कि हमारे अभी संज्ञान में आया है कि एक समुदाय की लड़की और दूसरे समुदाय का लड़का, जो कि स्कूल में सहपाठी थे, और शुरुआती दौर में बताया गया कि घूमने फिरने जाते थे और काफ़ी सारे मित्र भी जाते थे। बाद में अभी लड़की की तरफ से शिकायत आई है कि उसको किसी प्रकार से बताया गया कि भाई ये अच्छी, हम लोग अच्छे लोग हैं और हमें ज्वाइन करो, या इस तरह की अभी बातें आई हैं। जो भी तहरीर दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग जो धारा बनेगी और जो भी मामला होगा उसका परीक्षण करके और इसमें संज्ञान लिया। उत्तरकाशी जिले के पुराला क्षेत्र में हुए नाबालिग के अपहरण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में 15 जून को क्षेत्रवासियों ने महापंचायत की घोषणा की है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। 15 जून को होने वाली महापंचायत को लेकर IG गढ़वाल KS नगन्याल ने कहा कि इस संबंध में संबंधित जिले के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, साथ ही पुलिस को अलर्ट रहने का निर्देश भी दिया गया है। वहीं IG गढ़वाल ने कहा कि देखा जा सकता है कि सोशल मीडिया पर लगातार भ्रामक खबरें भी फैलाई जा रही है। बिल्कुल, मैं देख रहा हूं इसमें जितनी संवेदनशीलता सोशल मीडिया में दिख रही है, उतना जो है यथार्थ हम 0 पॉइंट में जाएंगे तो इस चीज को हम इतर पाते हैं। सब एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं और चाहते हैं कि ये लोग यहाँ रहे, काम करे, सब लोग साथ रहे, इस तरह का एक भाव जो है वहां देखने को मिला कल के जो गोष्ठी हुई उसमें। ATM कार्ड बदलकर ठगी करने वाले अभियुक्त सोनू उर्फ कमल गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शहर कोतवाली अंतर्गत वादी रविंद्र सिंह और प्रदीप कुमारी ने ATM ठगी की पुलिस से लिखित शिकायत दी थी। एक साथ दो लोगों के साथ ATM कार्ड से ठगी की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और सोनू को गिरफ्तार किया है। SP क्राइम सर्वेश पवार ने ठगी का खुलासा करते हुए बताया कि दो ठगी की घटनाएं शहर कोतवाली के घंटाघर के पास हुई थी। आरोपी ATM मशीन के पास खड़ा होकर जिन लोगों को ATM कार्ड चलाने में दिक्कत होती थी, उनकी मदद के बहाने ठगी करता था। बेसिकली दो घटनाएं हमारे यहाँ घंटाघर पे हुई थी, जिसमें एक कंप्लेनेंट प्रदीप कुमार उनियाल और दूसरे में रविंद्र सिंह। एक घटना जो है वो 30/4/2023 की है, दूसरी 10/6/2023 की है। इनके द्वारा बताया गया कि इनके ATM को एक्सचेंज करके किसी ने जो है इनके अकाउंट से जो है ATM से पैसे निकाल लिए। तो इसके संदर्भ में दो मुकदमे पंजीकृत किए गए थाना कोतवाली में,
जब उनकी विवेचना की गई सीसीटीवी के आधार पे एक ये जो इसमें अभियुक्त है सोनू उर्फ कमल गुप्ता, इसे अरेस्ट किया गया शिमला बाईपास के पास से। ये शेरपुर पटेल नगर का रहने वाला है। तो इसके द्वारा बताया गया कि ये बेसिकली एक चोरी की स्कूटी जो रुड़की गंग नहर पार्किंग से इसने चोरी की थी, उस स्कूटी को इसने घटना में यूज़ किया। और ये जनरली एटीएम के वहाँ आता था, ये अपने आप को गार्ड बनाकर जो भी लोग जिन्हें थोड़ी सी दिक्कत होती थी निकालने में उनकी हेल्प करने के नाम में जो है उस दौरान ये एटीएम एक्सचेंज कर लेता था। बढ़ेंगे खबर की ओर। पिथौरागढ़ के चार दिवसीय भ्रमण पर पहुंचे कार्मिक सचिव शैलेश बगोल के द्वारा विकासखंड कनाली छीना के ग्राम पाली एवं डूंगरी में मत्स्य पालन और बेकरी व्यवसाय का निरीक्षण किया गया और संबंधित किसानों से वार्ता करके स्वरोगर्ज परक कार्यों से उन्हें प्राप्त होने वाली आय के बारे में जानकारी ली गई। उन्होंने किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा संस्कृति यात्रा का गंगोत्री धाम के बाद शानदार आगाज हुआ। गंगोत्री धाम के परिसर में उद्घाटन समारोह और भजन और विभिन्न तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। इस अवसर पर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज के निदेशक सुरेश शर्मा ने बताया कि इस गंगा संस्कृति यात्रा का मुख्य युवा पीढ़ी को गंगा के ऐतिहासिक विरासत और महत्व को समझाने के लिए जागरूकता लाना है। गंगा जहां पूरे भारतवर्ष के लिए जीवनदायिनी है, वहीं पहाड़ों और मैदानी क्षेत्र में इसके स्वरूप में विविधता भी है। उत्तराखंड के थराली में मानसून की दस्तक के साथ साथ तहसील प्रशासन ने आपदा की स्थिति में राहत बचाव कार्य सुगमता से करने के लिए मॉक ड्रिल की। इससे पूर्व थराली तहसील सभागार में उपजिलाधिकारी थराली रविंद्र जुबाठा ने आपदा प्रबंधन कमेटी की बैठक लेते हुए मानसून के दृष्टिगत आपदा से निपटने की तैयारी का जायजा लिया और राहत बचाव उपकरणों का ब्यौरा लिया। बैठक में पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग समेत अन्य विभागों के विभागीय कर्मचारी अधिकारी रहे। उपजिलाधिकारी थराली रविंद्र जुवाठा ने जानकारी देते हुए बताया कि मानसून की दस्तक के साथ आपदा के दृष्टिगत प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर ली है ताकि आपदा की स्थिति में जल्दी से जल्दी राहत बचाव कार्य संपन्न हो सके। अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार आज तहसील में मॉक ड्रिल का आयोजन करा गया है और इसका पर्पस यही था कि अभी जैसे कि 15 जून से आपदा सीजन शुरू होने वाला है तो उससे पहले एक सेंसिटाइजेशन समस्त विभागों का कर लिया जाए। उसी क्रम में आज मॉक ड्रिल कराई गई, सभी विभागों के लोगों को इसमें आमंत्रित किया गया था और सभी को बताया गया कि आपदा के समय पर क्या रोल्स और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी रहती है और हमारी कोशिश ये रहेगी कि आगामी जो भी हमारी ऐसे हुए आपदा घटित होती है तो उसमें जो है रिस्पॉन्स टाइम मिनिमम से मिनिमम रहे, इसी के चलते हुए आज मॉक ड्रिल। उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार में कई महत्वाकांक्षी योजनाओं पर काम चल रहा है। उन्हीं में से एक चंडी देवी रोपवे परियोजना में एनजीटी ने चीफ सेक्रेटरी, मेट्रो रेल और जिलाधिकारी को तलब किया है। हरिद्वार के समाज सेवी जेपी बडोनी ने एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा पिछले कई महीनों से इस परियोजना से पर्यावरण को क्षति होने वाली का आकलन किया जा रहा था जिसमें कई सारी खामियां नजर आई हैं और जिस तरह से इस परियोजना के टेंडर 40 बार कैंसिल किए गए और 41वीं बार फिर से टेंडर निकाला गया, वो खुद इस परियोजना की खामियों को उजागर कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये परियोजना पूरी तरह से पर्यावरण विरोधी और कानून विरोधी है क्योंकि गंगा के किनारे कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता। विषय ये है कि हरिद्वार में राज्य सरकार के द्वारा 2-3 प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं और वो प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट पे काफ़ी पर्यावरणिक क्षति है जो मुझे लग रहा है। माँ चंडी देवी रोपवे उसका मैंने विरोध लगातार सरकार से 3 साल पहले से कर रहा था कि आप अपना इसका वास्तविक विषय बताएं कि वास्तविक आपका प्रोजेक्ट क्या है, उससे लाभ कितना होगा और पुरानी पॉलिसीज या पुरानी सरकार की जो नीतियाँ थी क्या वो बदल दी गई हैं, नई पॉलिसीज क्या बनी हैं, तो कितनी यात्री आप ले जाएंगे,
पर्यावरण को आप किस प्रकार से संतुलित करेंगे, जो वहाँ पेड़ खत्म होंगे उनको आप किस प्रकार से बनाएंगे, ये बहुत सारी चीज़ें थी जिसके लिए मैंने जो है माननीय एनजीटी में जो है बात। खबर हरिद्वार से है जहां पर ऋषिकुल और गुरुकुल आयुर्वेद चिकित्सालय के कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से अपनी मांगों को लेकर चिकित्सालय प्रांगण में धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को रखा। कर्मचारियों का कहना है कि ना तो हमें समय से वेतन भत्ता मिल रहा है और ना ही ईएसआई और प्रमोशन का कुछ पता है। 10 से 11 साल से कर्मचारियों को कोई ना कोई परेशानी होती चली आ रही है। कर्मचारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि कई बार वीडियो बोर्ड बहाल किए जाने की मांग की जा चुकी है, लेकिन अभी तक उस पर किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। जो है कर्मचारी जो है आयुर्वेद विश्वविद्यालय के गुरुकुल ऋषिकुल के जो ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय और गुरुकुल आयुर्वेदिक चिकित्सालय, इनका आए दिन का ये है कि इनका वेतन जो है आज तारीख होगी 13, वेतन भत्ते इनके मिलते नहीं हैं, ना इनका ASI का पता, ना इनकी पदोन्नति का पता, और कम से कम इनको 10 साल 11 साल ऐसे हो गए हैं कि आयुर्वेद विश्वविद्यालय जुड़े हुए, पर हमेशा से कोई ना कोई परेशानी होती रहती है और कर्मचारियों को हमेशा धरने में बैठना पड़ता है, धरना प्रदर्शन। हमने इस बारे में ये भी कहा था कि आप जो है हमारा DDO कोड बहाल कर दीजिए, जो पहले ट्रेजरी से तनख्वाह मिलती थी वैसी तनख्वाह मिलती रहे और आप अपना विश्वविद्यालय चलाते रहे, पर ये जो है बाज नहीं आ रहे हैं और हर बार वेतन के लिए, और क्योंकि कर्मचारियों की स्थिति है कि सभी का जैसे किसी ने मकान के लिए किसी ने जमीन के लिए लोन ले रखा है और वो क्या होता है कि बैंक में 10 तारीख के बाद जो है वो उसकी जो है तारीख चेंज हो जाती है और उसमें वो उनको उसका पेनल्टी भरनी पड़ती है। उत्तराखंड के रानीखेत में कांग्रेस पार्टी ने गोविंद सिंह महाराज नागरिक चिकित्सालय से 8 चिकित्सकों के स्थानांतरण पर आक्रोश जताया और संयुक्त मजिस्ट्रेट कार्यालय परिसर में धरना देकर राज्यपाल को संयुक्त मजिस्ट्रेट के माध्यम से ज्ञापन भेजा। धरना प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि गोविंद सिंह महाराज नागरिक चिकित्सालय रानीखेत ही नहीं बल्कि गढ़वाल के कर्णप्रयाग गैरसैंण के लोग इस चिकित्सालय में उपचार के लिए आते हैं, लेकिन जहाँ पर सरकार के द्वारा सैकड़ों डॉक्टरों को प्रदेश में नियुक्ति दी गई, वही रानीखेत के गोविंद सिंह महाराज नागरिक चिकित्सालय में चिकित्सक नियुक्त करने के बजाय उनका स्थानांतरण किया जा रहा है। उन्होंने 3 विशेषज्ञ चिकित्सकों को अचानक स्थानांतरण कर दिए जाने को रानीखेत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, आज हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं सारे रानीखेत निवासी। हमारा जो यहाँ पर चिकित्सालय है गोविंद सिंह महाराज मेमोरियल जो हमारा चिकित्सालय है, वहाँ पर जो है सारे ही डॉक्टरों का पहले एक हफ्ते पहले कुछ लोगों का स्थानांतरण हुआ, 3-4 डॉक्टरों का, और आज आप बता रहे हैं कि 9 डॉक्टर्स जो हैं वह यहाँ से तबादला उनका कर दिया गया है और जो हमारा ये हॉस्पिटल है वो बिल्कुल डॉक्टरों से खाली हो गया, जबकि इतनी इम्पॉर्टेंट जो होती है सेवा जो होती है स्वास्थ्य की सेवा जो है सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है और जो कि हमें 24 घंटे उपलब्ध होनी चाहिए, उससे रानीखेत के नागरिकों को बिल्कुल वंचित किया जा रहा है। खटीमा विकास खंड के बीचई गांव में बाईपास के पास तहसील प्रशासन के द्वारा अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट और नायब तहसीलदार वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में करते हुए 7 ट्रैक्टर ट्रोली 2 मड लोडर को पकड़कर सीज किया गया। खटीमा क्षेत्र में प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है, फिर भी खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि बेखौफ और निडर होकर लगातार अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं। आज सूचना मिली थी कि बिचई में बाईपास के पास अवैध खनन चल रहा है, तो उसी की जांच के लिए हम वहाँ पर पहुँचे थे साथ में नायब तहसीलदार साहब के, और हमने देखा वहाँ पर अवैध खनन चल रहा, तो हमने जो वहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ हैं उनको सीज किए, तो कुल मिलाकर हमने 7 ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ और 2 मड लोडर सीज कर दिए। आज खेत की नपाई भी हमने कर दी है और जो खेत मालिक है उसके खिलाफ भी जुर्माना कार्रवाई। उत्तराखंड के देहरादून में नाबालिग को भगाने की कोशिश के मामले में चल रहे विवाद के बीच पुरोला में 15 जून को महापंचायत करने का ऐलान किया गया है। इस बीच ऑल इंडिया मजलिस इतेहादुल मुसलमीन
प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मांग की है कि इस महापंचायत पर फौरन रोक लगाई जाए। वहीं ओवैसी के ट्वीट करने के बाद भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि भाजपा सरकार नहीं चाहती कि उत्तराखंड का माहौल खराब हो, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है। अगर असदुद्दीन ओवैसी उत्तरकाशी में 15 जून को होने वाली महापंचायत पर रोक की मांग कर रहे हैं तो 18 जून को देहरादून इनामुल्ला बिल्डिंग के पास पुराने बस अड्डे पर होने वाले विशेष समुदाय की महापंचायत को भी रोकने की मांग करनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही महापंचायतों से सौहार्द और शांति का वातावरण बिगड़ सकता है। देखिए, भाजपा सरकार ने अपना मत पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि हम लोग शांति और सौहार्द का वातावरण उत्तराखंड में बना कर रखेंगे, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि शांति सौहार्द के नाम से मशहूर है और शांति और सौहार्द के लिए ये एकदम जानी जाती है, तो यहाँ पर शांति और सौहार्द का वातावरण बना रहेगा। लेकिन अभी मैं ओवैसी जी का ट्वीट पढ़ रही थी जिसमें ये उन्होंने कहा है कि महापंचायत को 15 तारीख वाली महापंचायत को के लिए उन्होंने भाजपा को ये कहा है कि उसको स्थगित किया जाए। तो मैं ओवैसी जी को आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि वो कृपया करके 18 तारीख की जो महापंचायत होने वाली इनामुला बिल्डिंग पर, उसके लिए भी ट्वीट करें और उसके लिए भी अनुरोध करें कि उसको भी स्थगित किया जाए और उसको अभी बर्खास्त किया जाए, क्योंकि जब 15 तारीख वाली होने वाली महापंचायत के लिए वो बोल सकते हैं तो 18 तारीख वाली महापंचायत के लिए भी वो जरूर अनुरोध करें, क्योंकि दोनों ही महापंचायत से सौहार्द और शांति का वातावरण बिगड़ सकता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।